हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाले पर। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है पढ़ते नहीं है, और जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें चाहते हैं कि मैं बच्चों को सिखाऊं किसी चीज के बारे में, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है आसानी से वो चीज को नहीं सीख पाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, जो स्टूडेंट बीएड किया हुआ है, उन्हें जो है किसी बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो सब मालूम होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं है, तो उन्हें पढ़ाने के लिए जो है अपने घर में उपस्थित जो भी आसपास जो चीजें होती है उसे आप दिखाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। चाहे वो गणित हो, चाहे वो आप हिंदी हो, या चाहे वो आप अंग्रेजी हो, किसी भी चीजों के बारे में बताने के लिए आप जो है अपने परिवेश, अपने समाज, अपने घर में स्थित जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उसे सिखा लेते हैं। जैसे कि हमारे साथ ये छोटा सा बच्चा है, इधर तक वो, और इसका नाम जो है ऋषभ है, और ये हमारे ही विद्यालय का स्टूडेंट है, और काफी ये मतलब पढ़ने में ठीक है, लेकिन इसकी गणित जो है थोड़ी कमजोर है, इसे जोर नहीं आती है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि जोर सिखाने से पहले जो है किसी भी बच्चे को गिनती आना जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे गिनती नहीं सीखेंगे जब तक जोर नहीं सीखेंगे। तो इस बच्चे को अभी मैं गिनती तो आता है, लेकिन कुछ जो आपके उपस्थित चीजें होती है, जैसे मैं इसके घर आया था इसे कंप्लेन होने के बाद, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किसानी होती है, मतलब खेती बाड़ी होती है, जहाँ पर भिंडी है। अब इसे तो आपको मालूम है कि इसे हम लोग लेडीज फिंगर बोलते हैं। अगर हम इसको जो है इस बच्चे को सिखाने का प्रयास करें, तो तुम तैयार हो? तैयार हो ना, हंसते रहो। देखो, मान लीजिए कि किसी चीज को बच्चों को गिनती सिखाना है, जोर सिखाना है, तो मैं यहाँ पर कुछ बिना गिने हुए रख रहा हूँ। अगर मैं इससे पूछूं कि ये कितना है, तो बताओ बाबू कितना है, ये कितना है, कितना है, जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, अगर हम बात करें कि जैसे ये बच्चों ने यहाँ पर बता दिया कि पांच है, अगर हम यहाँ पर कुछ और अपने अनुसार से कुछ यहाँ पर जो लेडी फिंगर भिंडी है इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, अब तुम बाबू बताओ कि इसमें कितना है, जल्दी से बताओ कितना है, जोर से बोलो, और जोर से, खाना नहीं खाया हो, जल्दी बोलो, जल्दी जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि वहाँ सुनाई देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। अब हम इसमें से जो है देखिए, ऐसे आप सिखा सकते हैं अपने परिवेश में जो भी स्थित वस्तुएं हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो पेन पेपर कुछ भी हो, उसे आप सिखा सकते हैं। अगर हम इसमें अंदाज इतना उठाकर इधर रख लेते हैं, अगर हम इसे पूछते हैं कि कितना है, तो बताओ कितना है, जोर से बोलो, तीन है। अगर हम यहाँ पर दो तीन और ऐसे रख देते हैं, आप बताओ तो कितना है, इधर यहाँ कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, गिनो, गिन कर बताओ, छह हो गया। अगर हम इसमें दो तीन और डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अगर हम इसमें तीन डाल दिए तो कितना हो गया, कितना हो गया, जोर से बोलो, ग्यारह। देखिए, आप जो है अपने परिवेश में स्थित जो भी चीजें हैं, जो भी आपके घर में चीजें हैं, उससे जो है बच्चों को गणित सिखा सकते हैं। गणित जो होता है काफी इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को सिखाने के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम चंचल सा बच्चा आपको दिख रहा है, इसे नॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन ये सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं, और बचपन में वो बहुत शरारती करते हैं, बहुत खेलना उन्हें पसंद होता है। लेकिन आप जो है ये सारी चीजों से जो है सीख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक छोटी सी चींटी भी जो होता है दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, फिसलती है, फिर भी जो है वो हार नहीं मानती है, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। आप भी इसी तरह जो है बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी हम डेमो के तौर पर एक दिखाते हैं, जो कि गांव और समाज में जो गोबर आपने देखा होगा, उस गोबर का यूज हम दिखाएंगे आपको, जो कि आपने परिवेश में भी देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा। अभी भी जो है गांव में जो है गोबर, ये इसे हम लोग गोएठा बोलते हैं, या बहुत जगह इसका कुछ और नाम होगा, जो ये काऊ डंग से बना होता है अप्रोक्स, तो अगर इसे भी चाहेंगे तो बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये चार रख दें तो ये कितना है बताओ, तो तुम जोड़ के बताओ, चार है। अगर हम यहाँ से एक निकाल लेते कितना बचा, एक और मैंने निकाल लिया कितना बचा, एक और मैंने निकाल लिया, एक ये भी निकाल लिया तो कितना बचा, कुछ नहीं, सही बोल रहे हो। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है ये कितना है, और यहाँ पर एक हम ये क्या लगा दिए, किस माइनस का साइन, मतलब घटाव लगा दिए, और एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर तीन यहाँ पर है और एक घटा दिए तो कितना बचा, एक बचा, गलत बता रहा है, अभी ये सीखा नहीं है, ये कितना है, ये गिनो, ये यहाँ पर कितना है, चार, जोड़ना नहीं है, घटाना है, नहीं आ रहा है। देखिए, आप चाहेंगे तो अपने परिवेश में जो है ये सारी चीजों से बच्चों को बता सकते हैं इजी वे में। तो मुझे लगता है कि चीजें जो है मुझे बताना अच्छा लगा, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हो, जो भी बच्चे हो देख रहे हैं, उनके लिए काफी बेहतर है। और कंप्लेन पर मैं इसे घर आया था घूमने फिरने कि आखिर क्यों नहीं पढ़ता है, अच्छा बच्चा है, छोटा सा मासूम चेहरा इसका है, तो मैंने आया तो इसके घर पर ही देखा, तो ये भिंडी पड़ा, ये सामने ये पड़ा, तो इसी से मैंने आप सभी लोगों को बताया, ताकि आप सभी लोग भी अपने बच्चों को जो है इजी वे में बता सकते हैं।
और एक बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को पढ़ाना आपका कर्तव्य बनता है, साथ ही साथ माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।